Hello students, welcome in Fine Art class. Today we will start a new chapter, Prehistoric Rock Paintings. Okay, prehistoric means history से पहले का time, वो time जिसके बारे में हमें कुछ written में नहीं मिलता है कि वहाँ का lifestyle कैसा था, वहाँ लोग तब कैसे रहते थे, और ये जो paintings वगैरह हैं, तब वहाँ जो remains मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं उस जगह से, तो उनके बेस पर हम आइडिया लगाते हैं कि तब लोग कैसे रहते थे, तब लाइफस्टाइल कैसा होगा. ओके, तो वो था प्री हिस्टोरिक. अब यहाँ बात हो रही है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, मतलब उस समय जो पेंटिंग्स बनी, तो वहाँ पर आपकी तब कोई पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आपके कपड़े का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो जो पेंटिंग्स बनी है उस टाइम पे, प्री हिस्टोरिक टाइम पे, तो वो पेंटिंग्स बनी है आपकी रॉक्स पर, जो केप्स में रहते थे अर्ली में, तो वहाँ पर और रॉक पर, उनकी दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने जो पेंटिंग्स करी है उसके बारे में आपका ये चैप्टर है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स. ओके, तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1867 to 68 AD में, वो करी थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल, काकवान, एंडरसन, मिश्रा एंड घोष. तो डिस्कवरी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स की 1868 में हुई थी, जिसमें आर्चिबाल्ड कार्लाइल, काकवर्न, एंडरसन, मिश्रा एंड घोष थे उस कमेटी में. ओके, रेमिनेंट्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केप्स विच आर वाइडली स्प्रेड एंड सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, UP, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा एंड उत्तराखंड. ओके, स्टार्टिंग में आपकी जो पेंटिंग्स मिली हैं वो इन स्टेट में मिली हैं, मध्य प्रदेश में मिली, आंध्र प्रदेश में मिली, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, UP एक्सेट्रा. तो इन स्टेट्स में आपकी अर्ली मेल्स केप से रिलेटेड प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आपकी मिलती हैं. प्री हिस्टोरिक केप पेंटिंग्स ऑफ लखुड़ियार इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. लखुड़ियार मतलब मींस 1 लाख केप्स. उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख से ज़्यादा केप्स हैं, जिनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका मैन, जहाँ मतलब ऐसी केप्स जिनमें जो मैन फिगर्स बनी हैं, जो फिगर बनी है वो इंसानों की हैं. सेकेंड कैटेगरी में आपका एनिमल्स को रखा गया है, जो फिगर बनी है वो एनिमल्स की बनी है. एंड थर्ड में ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में पेंटिंग्स बनी हैं. ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में लाइक बच्चे जिस तरह की आर्ट करते हैं ना, छोटे बच्चे, क्लास 3rd 4th तक के जो स्टूडेंट्स आप करते हैं आर्ट, तो इस तरह की पेंटिंग्स बनी हैं ज्योमेट्रिक शेप में. अगर उनको कुछ बोलेंगे कि कोई फीमेल फिगर बनाइए, अपनी मम्मी पापा बनाइए, तो वो इस तरीके से कोई ऐसे ड्राइंग कर देते हैं ना, तो ऐसी पेंटिंग्स बनी है 3rd कैटेगरी में. और इनमें जो कलर यूज़ हुए हैं वो 1st कैटेगरी, मतलब जो मेन थे उनको उन्होंने ब्लैक कलर में यूज़ किया. ब्लैक कलर होता था चारकोल, वो आज की तरह मार्केट से कलर तो लेकर नहीं आते थे, जो जंगल में अवेलेबल चीज़ें थी उनसे ही वो पेंटिंग्स बनाते थे. तो ब्लैक वो यूज़ करते थे, कोयला, चारकोल यूज़ करते थे. सेकेंड आपका रेड ऑकर कलर यूज़ करते थे. रेड कलर्स वो एनिमल्स जब हंटिंग करते थे, जानवरों का जब वो शिकार करते थे, तो उनके ब्लड से पेंटिंग्स बनाते थे. रेड कलर मतलब एनिमल्स का जो ब्लड होता था उनसे वो पेंटिंग करते थे. 3rd कैटेगरी में आपका पेंटिंग्स हुई है वाइट कलर से. वाइट कलर जो खड़िया होती है उससे उन्होंने पेंटिंग्स ड्रॉ की हैं. क्लियर हुआ. 1 लाख केप्स अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसमें भी उन्होंने 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड करा, मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में. और जो कलर थे, मेन कलर जो उस टाइम पे यूज़ हुए वो ब्लैक, ऑकर रेड, ब्लड मतलब ब्लड का जैसा कलर होता है, और वाइट कलर यूज़ हुआ. ओके, इसी तरीके से आपका साउथ इंडिया में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी आपकी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, जिसमें आपका रेड कलर्स ज़्यादा यूज़ हुआ है. ओके, रेड कलर्स. और जो यहाँ का सब्जेक्ट था, जो थीम थी, वो थे वुल, एलिफेंट, सांभर्स, ये सारा आपका तब की पेंटिंग है. शीप, गोट, हॉर्स, कहाँ पर? कर्नाटका में. जो ग्रेनाइट पर कर्नाटक में जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो ग्रेनाइट पर मिली हैं. 3rd पॉइंट है आपका, अमंग दीज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट
स्पेक्ट्रिकुलर रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड इन विंध्यास हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश नियर भोपाल. भीमबेटका इज 45 किलोमीटर्स फार अवे इन साउथ बैंक भोपाल, वेयर अबाउट 800 रॉक शेल्टर्स ऑफ स्टोन एज हैव बीन फाउंडेड. जो भीमबेटका केव्स हैं मध्य प्रदेश में एमपी में, वो काफ़ी फेमस हैं आपकी रॉक पेंटिंग्स के लिए. यहाँ 800 से ज़्यादा केव्स हैं जिसमें पेंटिंग्स बनी हैं. ओके, क्लियर हुआ. एमपी में भीमबेटका फेमस है और उत्तराखंड में आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हैं. द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड बाय द एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट बी एस वाकड़कर ने डिस्कवर किया था भीमबेटका की पेंटिंग्स को. कब किया था? 1958 AD में. क्लियर हुआ. यहाँ का जो सब्जेक्ट मैटर था, जो जिस सब्जेक्ट पे पेंटिंग्स बनी, वो था मोस्टली एनिमल्स. देखिए, इस टाइप की पेंटिंग्स आपकी भीमबेटका जो अर्ली मेंस थे, रॉक पेंटिंग्स जो बनी, देखिए ये जेमेट्रिक पैटर्न्स में ऐसी पेंटिंग्स बनी है. वहाँ पर वाइट कलर, रेड कलर, ये देखिए, क्लियर हो रहा है. इस टाइप की आर्ट बच्चे ही बनाते हैं ना, चाइल्डिश आर्ट भी इसको बोलते हैं. आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम इन पेंटिंग्स के बारे में क्लियर करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, गॉड ब्लेस यू.